नमस्कार, स्वागतम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, एक जस्ट रैंडम टॉपिक है, ऐसे ही मेरे माइंड में आ गया था तो मैंने सोचा डिस्कस करते हैं। मैक्सिमम लोगों को पता है, जिनको नहीं पता है उनके लिए है। जैसा कि हमको पता है कि जब हिंदू कल्चर में शादी विवाह होते हैं, खासकर नॉर्दर्न इंडिया में, तो दूल्हे के साथ में सरबाला बिठाया जाता है। सरबाला आपने देखा होगा, एक छोटे बच्चे को दूल्हे की तरह सजाया जाता है और दूल्हे के साथ बिठाकर उसको बारात में दुल्हन के घर भेजा जाता है। तो बेसिकली ये एक प्रथा बहुत पुरानी है, बट आज के समय में, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है, लोग उसको मनाते हैं, करते हैं, बट उसका जो एक्चुअल मीनिंग और पर्पज़ है वो अभी इतना प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि जिस समय ये चालू हुई थी उस समय उसका कुछ और मतलब हुआ करता था। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, उन समयों में जब दूल्हा दुल्हन को लेने जाता था या बारात लेके जाता था, तो चांसेस होते थे कि कहीं डकैत उन पर पड़ जाए या उनको लूटपाट हो जाए रास्ते में या मार काट हो जाए। तो उस केस में, अगर कोई बहुत ही एक्सट्रीम केस में अगर दूल्हे की जान चली जाती है, दूल्हे के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो ये एक प्रथा थी कि अगर ऐसा कुछ हो गया नेगेटिव, तो उस केस में जो सरबाला हुआ उससे दुल्हन को उसके साथ भेजा जाएगा, या एक तरीके से कह दे शादी कर दी जाएगी, या ये कह सकते हैं कि उसके साथ उसको भेज दिया जाएगा। तो वो जो सरबाला होता था वो लगभग दूल्हे के एज ग्रुप का ही होता था, ऐसा नहीं होता था। अभी तो वो सिर्फ एक प्रथा बन के रह गई है कि बच्चे को बना देते हैं, जिसका वो कोई औचित्य और पर्पज नहीं है। बट जो उसका एक्चुअल मीनिंग ये था कि जो सरबाला होता था लगभग दूल्हे की उम्र का होता था, और अगर कोई दुर्घटनावश दूल्हे को कुछ हानि हो जाती है या मर जाता है या उसके साथ लूटपाट हो जाती है, तो उस केस में दुल्हन जो है सरबाले के साथ भेज दी जाती थी या शादी कर दी जाती थी। तो ये उसका एक्चुअल मीनिंग था। बट अभी समय के अनुसार प्रथाएं वही चल रही हैं, बट उसका जो एक्चुअल मीनिंग आधों को पता है आधों का नहीं है। सिर्फ हम आंखें बंद करके उसको फॉलो करते हैं एज अ ट्रेडिशन और कल्चर बोल सकते हैं। तो आज का ज्ञान इतना था। थैंक यू।